एक्सप्रेस इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ गए हैं, निर्दलीय सांसद। हाल ही में बड़ी जीत उन्होंने पूर्णिया से दर्ज की, लेकिन पप्पू यादव जी, ये उपचुनाव में क्या हो गया? बीमा भारती 15,000 वोटों से पीछे, आपका समर्थन इनके साथ, वो भी काम नहीं किया। देखिए एक बात समझिए, पहले तो नरेंद्र मोदी छोड़ के सभी लोग चले गए रुपोली। बाय इलेक्शन में कोई केंद्रीय मिनिस्टर, सीएम या डिप्टी सीएम बाकी नहीं रहे जो 2 दिन ना गए हों। सारे मिनिस्टर को वहां लगा दिया गया, कैंप करवा दिया गया। बाय इलेक्शन का मतलब ही होता है, अब बंगाल में सब सीट टीएमसी जीत रही, हिमाचल में भी सरकार की जीत हो रही, जहां भी बाय इलेक्शन होता है वह गवर्नमेंट की होती है। एक दूसरी चीज, बीमा जी को अकेले जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, छोड़ा गया, ना मालिक को बोला गया, ना कांग्रेस को बोला गया, ना सीपीआई सीपीएम को बोला गया, और 1 घंटे के लिए आप एक दिन जाते हैं, 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए लास्ट दिन जाते हैं और आप औपचारिकता निभाते हैं, राजा की तरफ फरमान जारी करते हैं। गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई मतलब नहीं है, गठबंधन अप्रोच नहीं करते हैं आप। और कभी हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, वो जो क्षेत्र है वो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ा का क्षेत्र है, आजाद हिंदुस्तान के बाद अभी बीमा जी तो निर्दलीय भी वहां चुनाव जीती, गंगोत्री समाज के वोट का बंटवारा बहुत भयंकर हुआ, दोनों गंगोत्री समाज से थे और दोनों में वोट का बंटवारा हो जाना। एक दूसरी चीज, पप्पू यादव एज ए मोरल, जो हमारा वो जो सीमांचल और कोसी का इलाका है, वो इलाका है गरीबों का, दलितों का, अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों का, तो जो मेरे लिए मेरा मैटर नहीं है, पप्पू यादव पर जो है वो आम आदमी और गरीबों का अधिकार है, मेरे फैमिली से ज्यादा है गरीबों का और आम आदमी का अधिकार है, और मैं उसी रूप में काम भी करता हूँ। मेरा मोरल सपोर्ट और व्यक्तिगत पारिवारिक सपोर्ट बीमा जी के साथ था, है, रहेगा। मेरे लिए मेरा मैटर ही नहीं है, मेरी राजनीति का नहीं है, और ना मुझसे ना राजद के लोगों ने, नेतृत्व ने कहा कि आप आइए या जाइए। लेकिन पप्पू यादव जी, खबरें तो कुछ और निकल के आ रही हैं, विरोधी कह रहे हैं कि आपका समर्थन था गुपचुप तरीके से ही निर्दलीय को। मैं किसका गुपचुप समर्थन था भैया, कोई जैसे कैंची छाप मेरी थी, कैंची छाप के कारण कंफ्यूजन में कुछ वोट उनको भी, पप्पू यादव का कैंची छाप है, लोगों ने वोट माइनोरिटीज के लगभग 30% वोट निर्दलीय को चला गया, तो वो निर्दलीय और जदयू के बीच में चीजें चली गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनडीए का वोट है वो जदयू को नहीं मिला, एकदम एक भी वोट नहीं मिला, किसी भी बाबू साहब के बूथ पर एनडीए को वोट नहीं मिला, कलाधर मंडल जी को वोट नहीं मिला, 10 वोट भी नहीं मिला। तो वो आप ये सोचिए ना कि इतने मंत्री और सबको लगाने के बावजूद आप सारे लीडरशिप को लगाए, जितने मंत्री थे लगाए, और आपने 10 वोट नहीं दिला पाए आप अपने बाबू साहब के वोट पे जगह पर। तो आप इसको सोचिए कि एनडीए के वोट का क्या मतलब है, आप तो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के वोट पे बंटवारा के कारण। लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पूर्णिया की जनता क्या चाहती है, क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश, लोकसभा चुनाव में मेन पार्टियां उनको, मेन जो गठबंधन में है उनको नकार देती है, निर्दलीय के तौर पर आपको जिता देती है। पूर्णिया की जनता, पूर्णिया की जनता के बारे में जानिए, पहले निर्दलीय बीमा जी लड़ी थी, 20 सालों से लगातार जदयू थे, काम इन्होंने नहीं की, वहां के जो लोकल एमएलए एमपी मंत्री हैं वो राजनीति में रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ठेकेदारी करने में लगे रहते हैं, आम लोगों से मतलब नहीं है। कोसी सीमांचल में जदयू का जितना एमपी एमएलए मंत्री संतरी है सब ठेकेदारी पटेदारी में लगे रहते हैं, कोई पब्लिक कंसर्न से मतलब नहीं है। और दिक्कत क्या है इस बात को समझिए मैम कि, और जो राजद नेतृत्व कर रहा है गठबंधन का, उन्हें कोई लेना देना, वो राजा बने हैं, उनको लगता है कि फरमान देंगे जाधव का मुसलमान का वोट एक हो जाएगा, वो फरमान दे करके राजनीति करना चाहते हैं, वो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जातियों को कैसे अटैच करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, इस पर उनकी गंभीरता है ही नहीं। और नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ी जाति पर फोकस करते हैं, कर पाते हैं, लेकिन वो पकड़ उनकी खत्म हो गई। अब जो एनडीए का वोटर है, बीजेपी का वोटर है, वो वोटर जो है वो नीतीश कुमार जी के पक्ष में और
अरे जो वोटर आपके पक्ष में था वो भी तो आपके समर्थन वाले कैंडिडेट को नहीं दे रहा ना वोट। मेरे पक्ष में था ना, व्यक्तिगत तौर पर एनडीए का जो वोटर है 10%, 30%, 40% एज ए मैन पप्पू यादव के साथ रहता है बिना कास्ट क्रीड के। लेकिन जब एनडीए और आरजेडी की बारी आती है, नीतीश कुमार जी की बारी आती है और लालू यादव जी की बारी आती है, तो जो हार्डकोर वोट है एनडीए का वो वोट नीतीश कुमार और लालू यादव से पिछड़ जाता है, वो डाइवर्सिटी में जाता है। और यही देखने को मिला है रुपौली में भी, अन्य जगहों पर भी। तो इन लोगों का सवाल तो अच्छा, आपके लिए भी था ना, पहले आप निर्दलीय के लिए अपील कर रहे थे वहां की जनता को, बाद में बीमा भारती को आपने समर्थन दे दिया। तो क्या बीमा भारती जी को समर्थन देना, जहां कांग्रेस थी वहां मेरा क्या मोरल सपोर्ट नहीं बनता? हम क्या करते हैं, हम नाच करते हैं, बिना बुलाए भी मेहमान बनते? जब आपने माले के लीडर को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, मेरा तो समर्थन हार जीत तो अपने जगह पर है, लेकिन मेरी जो आइडियोलॉजी है उसको मैं क्या करूं, कोटि के कनाव पर जीवन में रख दूं? तो मजबूरी थी, मजबूरी थी बीमा भारती को समर्थन देना पप्पू यादव जी? जी तो यानी मजबूरी थी आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ आप हैं, अब कांग्रेस जिसको सपोर्ट करेगी आपको भी देना पड़ेगा वो सपोर्ट। मजबूरी होती तो हम मधेपुरा लड़ गए होते और सुपौल बेटा लड़ गया होता, टिकट मिल गई थी मैडम, आज मैं खुल के कह रहा हूँ। मजबूरी नहीं होती तब हम इंडिपेंडेंट नहीं लड़ने जाते। मेरा सपोर्ट भीमा जी के साथ एज ए कांग्रेस भी और एज ए जो सामाजिक व्यवस्था है वहां का जो आधार है उसमें मुझे पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा जी की का जो मोरल सपोर्ट पप्पू यादव को रहता है व्यक्तिगत और पारिवारिक वो भूल के रहता है, इसीलिए मेरा दायित्व था वहां अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ों के साथ खड़ा होना, बस मैं इतना जानता हूं। तो पप्पू यादव जी अब यहां पर 15,000 वोटों से तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, हाँ। वो एक अलग पार्ट है, मैंने पहले भी कहा कि राजद के कैंडिडेट राजद के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, भीमा जी को का इस्तेमाल किए और गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ वो नहीं चलते, ना वो माले को बुलाते, हम तो कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, ना माले ना सीपीआई ना सीपीएम ना किसी को। तो ये जो परिस्थितियां इसको समझिए, आगे भी 3 विधानसभा है, इनको समझना पड़ेगा। ये अकेले एक दिन जाके हेलीकॉप्टर से या बाय रोड आप ये खींच तो नहीं निकल रही लोकसभा चुनाव की, महागठबंधन में कहीं आपकी खींच राजनीति की तो नहीं है? सामाजिक समीकरण व्यवस्था जरूरी है भाई, महागठबंधन ने अगर अपने प्रत्याशी पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आरजेडी जितनी जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी तो उतनी जिम्मेदार हुई ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कांग्रेस का नाम कोई, आप पूछिएगा ना, गजब बात आप करते हैं, कांग्रेस से कहिएगा ना कि आप चलिए आप वहां पर देखिए लीडरशिप को, ये नरेंद्र मोदी छोड़ के नीतीश कुमार जी, चिराग जी, मांझी जी, ललन बाबू, संजय बाबू, दोनों डिप्टी सीएम सब लोग कैंप किए, आप बुलाइएगा ना, बारे बार आप बुलाइए पप्पू यादव को, तो एक बार आप बुलाना, आप जब गए तो आपने कहा ही नहीं कि पप्पू यादव को आप आइए, हम तो बैठे थे पूर्णिया में, तो इनको तो हमसे तो चलिए दूध और मांस का बांटर का स्थिति है, हमका हमारी चिंता छोड़िए, आप अपना कोऑर्डिनेशन तो करिए, आप करेंगे नहीं। हम तो इतने गाली गलौज के बावजूद व्यक्तिगत रिश्ता नहीं, हमारे लिए मैंने पहले भी कहा कि गरीब और आम आदमी मेरे लिए पहला है और मुझ पर पहला अधिकार है और वो रहेगा। ठीक है पप्पू यादव जी, बहुत 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रुपौली सीट पर क्या कुछ होता है इसी पर सबकी नजर रहेगी।